कि ये सारे लोग जो हैं कांग्रेस बीजेपी जेएमएम ये लोग सब भाई भाई दोनों मौसेरे भाई हैं और इन लोग दोनों ने मिलकर पूरे देश को बेचने का प्लान एक एस्टिमेट बना लिया है और सारा कुछ इसी के तहत इन लोग काम कर रहे हैं। बेचने के लिए तैयार है, देश बिक रहा है तो आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। इन लोग दोनों मौसेरे भाई हैं और इन लोग दोनों ने मिलकर पूरे देश को बेचने का प्लान एक एस्टिमेट बना लिया है और सारा कुछ इसी के तहत इन लोग काम कर रहे हैं। अब इनके ऊपर जो पकड़ा गए हैं, पकड़ाने के बाद इनको पता चल गया है इनकी चोरी पकड़ा गई है और पार्लियामेंट में इनके पास जवाब नहीं था, मोदी जी के पास प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था कि इनका जवाब ही दे सके, तो ये परिस्थिति हुई है। सारा कुछ बेचने के लिए तैयार है, देश बिक रहा है तो आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली पार्टी नहीं है। इनका एक एक पोल को खोलने के लिए आज हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर पूरे देश में सभी जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को हम लोग घेर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम भाई लोग हैं, प्रदेश संयोजक जी हैं, तमाम लोग हैं और हम लोग घेर रहे हैं और हम लोग उसका संदेश जनता में देना चाहते हैं कि दोनों लोग जो मौसेरा भाई है चोर है, ये लोग चोर को पकड़ने के लिए पूरा जनता तैयार है और जनता दोनों चोर को पकड़ेगी और उसी के लिए हम लोग तैयार है। संदेश क्या लगता है कि जिस तरह से सहारा में लोगों का पैसा डूब गया था, अब SBI भी पूरा उनका पैसा डूब जाएगा? सहारा का पैसा डूब रहा है, LIC डूबने वाला है। जो LIC आज LIC को भारत के लोग तमाम लोग आम आवाम लोग ट्रस्ट करता था LIC पर, लेकिन LIC आज की स्थिति में डूबने का कगार पर है तो इन लोग का क्या कहिएगा? रेलवे बिक रहा है, हवाई जहाज बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, धीरे धीरे इन लोग देश बेचने के कगार पर है। आम आदमी चुप नहीं बैठेगी, पूरी तरह से जोरदार आंदोलन करने के लिए। मैं ओंकार नाथ जायसवाल हूँ, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे जानेंगे। महिलाएं जो होती है घर के खर्च में पैसे बचा करके जो है बैंक में सेव करने का काम करती है, कहीं ना कहीं सबसे दुख की बात महिलाओं के लिए भी है ये। जी बिल्कुल, हम लोगों को भी इस चीज़ की काफ़ी दिक्कत आ रही है कि हाँ अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ने में हमारे लिए भी परेशानियाँ आएंगी और आने वाले समय में इसके लिए हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्या लगता है, आप अभी BJP कार्यालय को क्या घेराव कर रहे हैं, तो कुछ निर्णय लिया जाएगा या इस सरकार इसी तरह से चुप्पी साधी हुई रहेगी? अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि हाँ आगे हम लोगों के लिए इसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है। कहीं ना कहीं चुनावी दौरे पे यहाँ पे आए हुए थे अमित शाह, उन्होंने कहा कि सबसे भ्रष्ट सरकार जो है झारखंड की है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी सरकार पे ही दोष जा रहा है अडानी शेयर ग्रुप को लेकर के, क्या कुछ कहेंगे? देखिए ऐसा है कि ये सारे लोग जो हैं कांग्रेस BJP JMM ये लोग सब भाई भाई हैं, ये लोग मिलजुल कर सरकार चलाता है। कभी JMM NDA चलाएगा तो कभी UPA चलाएगा, लेकिन इन लोग का गठजोड़ अब चलने वाला नहीं है। आम आदमी जो है, आम पब्लिक जो है, अब सारा इन लोग का सब भेद समझ चुका है, आम आदमी जाग चुका है। आम आदमी पार्टी पूरे देश में एक विकल्प के रूप में आ गई है, झारखंड का भी विकल्प आम आदमी पार्टी ही है, ये यहाँ के सारे लोग जान रहे हैं। अभी हम लोग इन लोग को ऑफिस का घेराव कर रहे हैं पूरे देश में और एक समय ऐसा आएगा कि लोग को संसद से बाहर निकाल के फेंकेंगे, ये चीज जान लीजिएगा। अभी ऑफिस से निकलने बोल रहे हैं, कल होके लोग को संसद से निकलने बोलेंगे। हमारी जनता जो है पूरे देश की जनता झाड़ू लेके इस सारे भ्रष्टाचार को खत्म करेगी, आम आदमी पार्टी का शासन होगा, आप लोग का अमन चैन होगा, आपका बोलने का भी स्वतंत्रता होगा। अभी आप ज्यादा बोल भी नहीं सकती हैं, आपका पत्रकार लोग पर भी बहुत पाबंदी है। हम लोग का सरकार आएगा, आप लोग को सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, आम आदमी पार्टी ही विकल्प है। और ये मोदी आप तो जानते ही हैं जी, आपको क्या बताएं हम, ये जो है BJP जो है, आज BJP का सरकार नहीं चल रहा है, ये मोदी का सरकार चल रहा है। 2014 में हर एक जगह ही लोग बैनर भी लगाता था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, ये तो मोदी का सरकार है। तो यहाँ के BJP के जितने भी साथी हैं, जितने भी भक्त लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि BJP का सरकार नहीं है, ये जो है मोदी का सरकार है और ये पूंजीपतियों का सरकार है, अदानी अंबानी का सरकार है, इसको उखाड़ के फेंकिए, नहीं तो भूखे लोग मरेंगे। 100 रुपये किलो हो जाएगा आटा, अभी 50 रुपये किलो हो गया नहीं, इसलिए आप लोग सारे लोग मिलिए, अपने घर के अगल बगल लोगों को समझाइए और ये सब भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के।
प्रेम कुमार, आम आदमी पार्टी प्रदेश उप संयोजक। अगर सरकार इस पे निर्णय नहीं लेती है तो आगे की रणनीति आप लोग की क्या होगी? देखिए, जनता मालिक है जी। तो सबसे पहले हमारी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी जी। तो मैं हम लोग जो है आम आदमियों को ये समझाने जा रहा हूँ कि बीजेपी क्या है, मोदी जी अडानी के साथ क्या कर रहे हैं। जब तक हमारे आम आदमी, मेरे मालिक जो है, इस बात को नहीं समझेंगे, हमारे मालिक कौन है? जनता है। तो बिल्कुल बिल्कुल इस बातों को हम लोग जनता तक पहुंचाने जा रहे हैं। और जहां तक की बात है मोदी का, आपका जो है सारी जनता उनको भगाने के लिए तैयार हो चुकी है। केवल उन लोगों को, कुछ लोगों को हम लोग को जगाना है जो कि हम लोग मैदान में चल चुके हैं, जो कि आज शुरुआत हुई है। और ये आज के बाद जो है आगे हम लोग का जो देखा जाएगा, ये मुझे इस बीजेपी को और अडानी को ख़त्म करने के लिए जो हम लोग को करना पड़े वो निर्णय हम लोग लेंगे। आम आदमी पार्टी प्रदेश संयोजक आम। तो जैसा कि आपने सुना कि इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार अभी बात नहीं सुनती है और निर्णय नहीं लेती है तो ये जो है सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और वही कहीं ना कहीं आज ये लोग जो है काफ़ी अपने दल के साथ जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच रहे हैं। और उनका कहना है कि इन्होंने जितना जनता को ठगने का काम किया है, वहीं कहीं ना कहीं जनता को जो है जागरूक करने का भी पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे जीएन भारत से। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।